तो एक भक्त ने कहा डोंगरे जी महाराज, अरे महाराज आप तो ऐसा बोलते हैं, अरे किसी सौराष्ट्र में गुजरात में महात्मा प्रेम भिक्षु जी हैं, उनके यहाँ तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक लोग खाते रहते हैं, जो बचा रहता लोग कीर्तन में आते जाते खाते रहते हैं। तो डोंगरे जी महाराज ने हमें सुनाया कि डोंगरे जी ने कानों में उंगली लगा ली और कहा से धाम को वहां प्रकट कर दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद 50 साल पुरानी बात भी नहीं होगी। श्री रुक्मणी बाई जी थी, बड़ी उच्च कोटि की भक्ता। कितने साल पुरानी बात होगी भैया जी? शायद 50 साल तो नहीं हुआ होगा। भागलपुर में, भागलपुर की बात है, भागलपुर में संकीर्तन के मध्य उन्होंने कक्ष में यमुना जी को प्रकट कर दिया। बहुत ऊंची अनुभूति के धरातल को प्राप्त थी श्री रुक्मणी बाई जी। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की बड़ी भारी कृपा उनको प्राप्त थी। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा उन्हें प्राप्त थी। वो कोई जन्म सिद्ध कोई महान भक्ता थी, उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने के योग्य है। रुक्मणी बाई, ये सब बातें झूठी नहीं है। अरे जब 50 वर्ष पहले एक भक्ता यमुना जी को प्रकट कर सकती हैं, तो 500 वर्ष पहले मीरा जी यमुना जी को, वृंदावन को, बिहारी जी को प्रकट कर दें, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए सुमिरत सुलभ रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला सबको सुलभ नहीं है, धाम सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु, नाम सबको सुख देने वाला है। और लोक लाहु पर लोक निवाहु, लोक लाहु, लोक लाहु का अर्थ क्या है कि लोक में भी किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होगा और परलोक में भी उसका निर्वाह होगा। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, लूगा, लूगा माने वस्त्र आदि, और रोटी, लूगा रोटी नीके राखे आगे हुकी बेद भाखे, भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहत हूं। कहते मुझे पता है कि तेरा भला होगा, कैसे राम राम करने से भला होगा। राम राम करने लग जाओ तो रोटी लूगा नीके राखे, अन्न वस्त्र का अभाव जीवन में नहीं होगा, और आगे हो कि वेद भाग है, आगे की जिम्मेवारी वेद भगवान ले रहे हैं कि तुमको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, अविनाशी की अंक प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भैया ये नाम सबको सुलभ है और लोक परलोक दोनों बना देने वाला है, इसलिए निरंतर नाम का आश्रय लेना चाहिए। एक पोरबंदर के पास में कौन सी जगह, में नाम भूल रहा हूं, वहां प्रेम भिक्षु जी महाराज के एक परिकर हैं, वहां नाम संकीर्तन भवन बना, उसका उद्घाटन करने हम उज्जैन कुंभ से गए थे, नाम इस समय हमारे विस्मृति में हो गया। वो लोग लंदन में रहते हैं, पहले पोरबंदर में रहते थे, वो पोरबंदर में भी प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित अखंड नाम संकीर्तन चलता है। तो उन्होंने बताया कि इतनी गरीबी थी घर में, इतनी गरीबी थी कि प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जो बैठता था उसको भोजन मिल जाता था, क्योंकि प्रेम भिक्षु जी महाराज द्रव्य छूते नहीं थे,
और वो कहते थे कि कीर्तन में भी धन का व्यय करना पड़े तब तो जीव के कल्याण का कोई साधन बचा ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है कीर्तन, और कीर्तन भी पैसों में होने लग जाए, उसमें भी धन लगने लग जाए, तो बोले फिर तो कीर्तन का बहुत बड़ा तिरस्कार है। तो आज भी उनके द्वारा प्रेरित जितने संकीर्तन मंदिर हैं, किसी में भी भेंट रखने की आज्ञा नहीं है। सब जगह लिखा है अहियाँ भेंट पाड़वानी सख्त मनाई छे, गुजराती में लिखा है, भेंट नहीं डाल सकते, भेंट नहीं रख सकते वहां, बस समय की भेंट दो, थोड़ी देर आकर कीर्तन करो, बस यही भेंट है, कोई भेंट नहीं। हाँ, अब यह है कि भवन का कुछ रंग रोगन है या बिजली आदि का खर्च है, वो तो लोग मिलजुल कर अपने वहन कर लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से चंदा चिट्ठा या कीर्तन वालों को कुछ देना पड़े ऐसा कुछ नहीं। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज के समय जो कीर्तन होता था वो कैसे होता था जानते हैं? प्रेम भिक्षु जी महाराज पधारे, कीर्तन शुरू हो गया, और वैष्णव लोग जो है अपने अपने घरों से बाल भोग लेके आए, कोई बटाका बड़ा बना के लाया, कोई सूखड़ी बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया, अलग अलग तरह का, और कीर्तन में जो ठाकुर जी की चित्र छवि रखी है वहीं रख दिया, तुलसी पधरा दिया, उसी का बाल भोग सबको बट गया। कोई ढोकला बना के लाया, मिला जुला, और ऐसे ही दोपहर में फिर इकट्ठा होने लग जाता था 10 बजे से, तो 10 बजे से 1:30-2 बजे तक इकट्ठा होता था। खूब बढ़िया से लोग तृप्त होके बाल भोग कर लेते, 1:30-2 बजे भूख लगे, अब फिर इकट्ठा होते होते फिर लोग पाना शुरू करते, 2 बजे तक इकट्ठा हो जाता, फिर तुलसी दल पधरा के वही अन्नकूट जैसा हो जाता, फिर कीर्तन में जो आए बैठे सबको प्रसाद मिलेगा, पंगत भी चलती रहती सवेरे से रात तक। और फिर संध्या को इकट्ठा होना शुरू होता तो देर रात तक इकट्ठा होता। एक बार श्री डोंगरी जी महाराज की कथा चल रही थी, और उस कथा में डोंगरी जी महाराज ने कहा कि रात्रि को 12 बजे के बाद भोजन करने वाले राक्षस होते, नहीं खाना चाहिए, 12 बजे के बाद भूख लगी है तो भी भूखे सो जाओ, भोजन मत करो, तो फिर निशाचरी वेला है, उस समय भोजन का समय नहीं है। तो एक भक्त ने कहा डोंगरी जी महाराज, अरे महाराज आप तो ऐसा बोलते हैं, अरे किसी सौराष्ट्र में गुजरात में महात्मा प्रेम भिक्षु जी हैं, उनके यहाँ तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक लोग खाते रहते हैं, जो बचा रहता लोग कीर्तन में आते जाते खाते रहते हैं। तो डोंगरी जी महाराज ने हमें सुनाया कि डोंगरी जी ने कानों में उंगली लगा ली और कहा कि तुमको बहुत बड़ा अपराध लगा, तुम सामान्य मनुष्य के सदाचार व्यवहार की तुलना एक सिद्ध संत से कर रहे हो, वे नामनिष्ठ संत हैं, उनको शुभाशुभ स्पर्श नहीं कर सकता, तुम क्षमा मांग के आना। कीर्तन करने वाले 24 घंटे में जब भूख लगे तब खा सकते, उनको विधि नहीं है। अब आप सोचो भैया जी, कीर्तन वाले लीला वाले, मान लो रात को 11-12 बजे तक लीला हुई, खा पी के तो सेवा कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? अब उनको जब जब भूख लगेगी तब प्रेम से पामेंगे और सोमेंगे। अब तुम अपना कानून वहां लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन भक्त ने ऐसा बताया, हमको स्वयं बताया उन भक्त ने, कि महाराज जी हम लोग अन्य के लोभ से कीर्तन में आते थे कि हमारा पेट भर जाएगा, इतनी गरीबी थी घर में कि खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो भोजन मिल जाएगा इस लोभ से कीर्तन में बैठते थे, और उसी समय आते थे जब इकट्ठा होता था उसी समय बैठते थे हम लोग कीर्तन में, धीरे से खिसक खिसक के एक एक बैठ के पाने के लिए। कहते हमको क्या पता था अन्य के लोभ से हम लोगों ने कीर्तन किया, आज नाम महाराज की कृपा से लंदन में हमारा बड़ा कारोबार है, ये शायद कैमरे मेरे का बड़ा कोई काम है उनका, और आज भी वो अपने घर में लंदन में प्रतिदिन श्री राम जय राम जय जय राम का 1 घंटे का खंड करते हैं, एकादशी को 2-3 घंटे करते हैं। और उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज जी कहीं आपको अच्छी जगह लगे कि यहाँ कीर्तन भवन बनाना है, जहाँ अखंड कीर्तन चले, आप हमको
बिना किसी संकोच के आज्ञा करना, सुंदर संकीर्तन भवन बना के बनाने की सेवा इस परिवार की रहेगी। क्योंकि हम लोग नाम का ही खा रहे हैं, हमको पता नहीं था लोभ के कारण, अन्य के लोभ के कारण कीर्तन में लगे और हमारे लोक में भी कोई कमी नहीं रह गई, और राम नाम महाराज की कृपा से परलोक की भी गारंटी है। इसलिए लोक लाहु और परलोक निवाहु, घाटे में वही हैं जो राम राम नहीं करते हैं।